हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज दो बड़ी भर्ती को लेकर दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ बड़े अपडेट्स प्राप्त हुए हैं। पहली भर्ती है राजस्व लेखपाल और दूसरी भर्ती है यूपी सब इंस्पेक्टर 9534 पदों पर, जिसके लिए विज्ञापन आने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो सारी वीडियो विद प्रूफ होती है, या तो फिर नोटिस के अकॉर्डिंग बनाता हूँ या फिर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। अपने मन से कुछ भी नहीं कहता हूँ, तो आप लोग निश्चित रूप से मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। काफी छात्र मुझ पर भरोसा करते हैं। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें दोस्तों। आज की जो भी लेटेस्ट अपडेट है, आई होप मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग हमारी साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आप यूपी लेखपाल और यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं तो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। साथ साथ दोस्तों, तैयारी भी हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या खबरें मिली हैं। पहले हम बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती को लेकर क्या खबर मिली है, उसके बाद यूपी लेखपाल के लिए। तो थोड़ा पेशेंस रखें, इस वीडियो देखेगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप यूपी लेखपाल के एस्पिरेंट हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, और जिन लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की है, मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वेट मत करें एप्लीकेशन स्टार्ट होने का। विलंब हो रहा है, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। बहुत हाई लेवल का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है और अब निश्चित तौर पर विज्ञापन आने वाला है। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है इस बार, ठीक है? क्योंकि जब लॉलीपॉप होता है ना तो हम सबको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आयोग और राज्य सरकार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस है भर्तियों को लेकर। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अभी कभी। यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है हमारे द्वारा, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज रखी गई है। यूपी लेखपाल के आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस नोट से आपको बेसिक लेवल की तैयारी करने को मिलेगा और लास्ट डेज में आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला। ये नोट्स यूपी लेखपाल का जो नोट्स तैयार किया गया है, बेस्ट टीचर और बेस्ट एक्सपर्ट द्वारा प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके नए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज, और उसके बाद थ्योरी भी दिया गया है। जैसे ग्राम समाज पे ज़्यादा फोकस किया गया, इसके चैप्टर सारे डाले गए, चैप्टर के क्वेश्चंस डाले गए हैं, फिर प्रैक्टिस सेट डाला गया, प्रीवियस क्वेश्चंस डाले गए हैं, ऐसे ही मैथ के शॉर्ट ट्रिक भी दिए गए हैं। तो इसमें स्पेशल वीडियो क्लासेस के लिंक भी दिए गए, कीमत मात्र 99 रुपीज़ है। जितने भी छात्र इच्छुक हैं, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ यूपी लेखपाल वाले इस नोट्स को जरूर बाय करें। इसका लिंक बाय करने का नीचे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरीके से एक यूपीएसआई की नोट्स तैयार की गई है, जितने यूपीएसआई के एस्पिरेंट देख रहे हैं उनका यूपीएसआई का नोट्स का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से यूपीएसआई का भी आप बाय कर सकते हैं। नीचे ठीक से यूपीएसआई भर्ती को लेकर क्या खबर निकल के आई, उसके बाद में यूपी लेखपाल के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, पुलिस विभाग के 9534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज। आप सभी को 9534 पदों से ही समझ में आ गया होगा कि यूपीएसआई की बात की जा रही है। जैसा कि इसमें पता है कि 9534 पदों में तीन पोस्ट शामिल है। एक पहला है आपका 9027 पद सब इंस्पेक्टर के, 4084 पद प्लाटून कमांडर के, और 23 पद अग्निशमन अधिकारी के। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 9534 पदों पर विज्ञापन आने वाला है। यहाँ पर आप सभी को बताया कि इसके लिए टेंडर पास होने की प्रक्रिया चल रही थी, और टेंडर में तीन एजेंसियाँ का रिक्वेस्ट आने पर ही टेंडर खोला जाता है और टेंडर का सिलेक्शन किया जाता है, ऐसा ये नियम है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो ही एजेंसियाँ अप्लाई करने की वजह से दो बार टेंडर की तिथियाँ बढ़ाई गई हैं यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। लेकिन यहाँ पर अब इस बार जो अंतिम तिथि थी आपकी 23 तारीख और 24 तारीख को जो टेंडर खुलने वाला था, कोई नोटिस जारी नहीं हुई। इसको लेकर बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर टेंडर का क्या हुआ, टेंडर के लिए कोई नोटिस नहीं आई अभी तक। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कहा था कि 23 तारीख तक अंतिम तिथि और 24 को यह टेंडर खोला जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर सभी आयोगों को दिशा निर्देश, साथ साथ जो डीजी साहब हैं यूपी पुलिस के डायरेक्टर हैं, उनको यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया था। इस चीज़ को लेकर संज्ञान में लिया गया था कि दो से तीन बार टेंडर की तिथि बढ़ाई गई है, एक महीना टेंडर पास करने में लगाया जा रहा है। तो इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि इसके बाद कोई टेंडर की डेट नहीं बढ़ेगी, ठीक है? तो यहां पर इस बार जो 23 तारीख था, नोटिस क्यों नहीं जारी, उसका ये कारण है कि दो से तीन नहीं हुआ, यानी कि दो एजेंसियां ही आई, तीसरी कोई एजेंसी नहीं आई। इसके चलते टेंडर दोस्तों डेट नहीं बढ़ाई गई, और अब जो यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है वो उसी दो एजेंसियों में से सिलेक्शन करने वाला है। अब आगे कोई टेंडर की डेट नहीं बढ़ने वाली, इसीलिए कोई नोटिस जारी नहीं की गई है। और इसके लिए सिलेक्शन दोस्तों आज ही कल के अंदर होने वाला है कि दो एजेंसियों में से कौन सेलेक्ट होगा, और दो से तीन दिन के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब विज्ञापन कब जारी होगा, अगर टेंडर पास हुआ दो एजेंसियों में से तो कब इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। तो देखिए, जिस एजेंसी को ये जिम्मा दिया जाएगा उसको 15 दिन का टाइम मिलेगा कि आप पूरा इस जो पूरा ब्यौरा है, जो टर्म एंड कंडीशन है, उसको आप फॉलो कीजिए और एक नया वेब पोर्टल तैयार कीजिए।
उसके बाद में उसको 15 दिन का समय लग जाएगा लगभग लगभग सभी जो पोस्टें हैं उनको वेरीफाई और नियमावली को, ठीक है। तो इसके चलते दोस्तों 15 दिन के बाद टेंडर पास होने के आज से 15 दिन के बाद आपके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करेंगे कब तक, तो यहाँ पर 15 से 20 अक्टूबर के बीच में UPSI के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा हर हालत में दोस्तों, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों यूपी लेखपाल को लेकर। तो जितने भी छात्र UPSI के हैं, आप लोग पेशेंस रख के तैयारी में ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान न दीजिए। ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस हैं, ये होती रहेंगी और आपका विज्ञापन आएगा। फिलहाल आपको तैयारी में एक एक दिन आपके लिए कीमती है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी खबर को लेकर। जैसे यूपी लेखपाल को लेकर एक खबर निकल के आई थी कल कि यूपी लेखपाल में अब प्रदेश स्तर पर होगी भर्तियाँ, तो इसको लेकर दोस्तों थोड़ा सा खबर निकल के आया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज पूरे डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए लेखपाल भर्ती प्रदेश स्तर की मेरिट से विसंगतियों की आशंका है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश की में पहली बार राजस्व लेखपालों के चयन की कार्रवाई से कई तरह की विसंगतियां बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7,000 से अधिक पद रिक्त है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया एग्जैक्ट डाटा सिर्फ नोटिफिकेशन पास में पता चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर 7,000 तो कभी 8,000 के बीच में इसको माना जाता है। 7,000 से अधिक पद रिक्त हैं। लेखपाल समूह गा के ग्रेड पे 2,000 के कर्मी हैं और इनका कॉडर जिला स्तर का है। पिछली बार लेखपाल की लिखित परीक्षा राजस्व परिषद के स्तर से कराई गई थी। भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था थी, परिषद ने कॉडर जिला स्तर का होने की वजह से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार सूची तैयार कर चयन से जुड़ी कार्रवाई की लिए जिलों को भेज दिए थी। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इंटरव्यू किया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारी ने नियुक्ति दी थी। इस बार लेखपालों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराई जा रही है, जो मेरिट जिला स्तर पर बनकर प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची बनाता है। अगर आयोग ने एक सेकंड यहां पर समझिएगा कि इस बार लेखपाल की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराई जा रही है, जो मेरिट जिला स्तर पर ना बनाकर प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची बनाता है। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात की जा रही है। अगर आयोग ने नियम न बदला तो लेखपाल की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या पर प्रदेश स्तर पर किस तरह हो, यह राजस्व परिषद को तय करना होगा। आर्थिक चुनौती भी बढ़ेगी। देखिए राजस्व लेखपाल का चयन यदि मंडल या राज्य स्तर पर होता है तो इससे नवनियुक्त कर्मियों की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। 2000 ग्रेड पे का कर्मी होने की वजह से आगे देखिए महंगाई के दौर में दूसरे जिले में नियुक्ति से आर्थिक व पारिवारिक समस्याएं शुरू होंगी। बेसिक शिक्षकों की तरह नियुक्ति के बाद से ही जिले व मंडल में तबादलों का प्रयास शुरू करने को मजबूर होंगे। लेखपालों की पिछली भर्ती में कई जिले में कम पद होने से तमाम अभ्यर्थियों ने दूसरे जिलों के लिए आवेदन कर दिया था, दूसरे जिले में नियुक्ति भी हो गए तो ऐसे अभ्यर्थी अपने गृहमंडल व जिले को जाने के लिए तभी से प्रयासरत हैं। लिखा पढ़ी के बाद गृहमंडल में जाने की अनुमति दी गई, पर अभी भी बड़ी संख्या में कर्मी अपने घर को लौटने के लिए जिले से राजस्व परिषद तक का चक्कर काटते रहते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर ओवरऑल बात किया जाए शॉर्ट में, तो देखिए जो पहली जो भर्ती आई थी 2015 में वो राजस्व परिषद ने कराया था और राजस्व परिषद ने जिलेवार आवंटन किया था, जिलेवार मेरिट बनाई थी, यानी कि उसमें ऑप्शन दिया गया था कि आप अपने जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसी जिले को ऑप्शनल में डाल सकते हैं, उसी जिले में आपकी नियुक्ति हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो प्रदेश स्तर पे मेरिट तैयार करता है, तो अगर जब प्रदेश स्तर पे तैयार करेगा तो या तो उसको अभी नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा, और या फिर अगर प्रदेश स्तर पे हो जाएगा तो जो छात्र इस जिले में रह रहे हैं उनको कोई दूसरा जिला अलॉट किया जाएगा, तो उसमें 2000 ग्रेड पे वो कैसे इंसान मैनेज कर पाएगा, जाके वहाँ पर क्वार्टर लेगा, उसके बाद में वो अपना खर्चा उठाएगा, हर चीज़ है, तो इसमें उसका राजस्व जो है उसकी आर्थिक स्थिति भी दिक्कत होगी और पारिवारिक समस्याएँ भी उत्पन्न होगी, ठीक है। वो अपने घर से दूर रहेगा, इसके चलते वो सोचेगा कि प्रयासरत रहेगा कि हम अपने जिले में ही ट्रांसफर करवा लें, तो ये सारी दुविधाएं देखने को मिलने वाली है। तो इसी के चलते यहां पर अब फैसला लेने वाला है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कि वो जिला स्तर से अपनी नियमावली में बदलाव करेगा या फिर प्रदेश स्तर के ही मेरिट तैयार करेगा, तो फिर यहां पर राजस्व परिषद को एक जिम्मा मिलेगा कि वो फिर से दोबारा इस पर जिलावार आवंटन करे। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है दोस्तों, और इसके लिए विज्ञापन में बहुत तेजी लाई जा रही है दोस्तों। इसका भी विज्ञापन आपको अक्टूबर माह में देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग पेशेंस रख के तैयारी में जुटे रहिए दोस्तों। पूरी खबर ऑथेंटिक रूप से आपको
जो भी मिली थी मैंने आपको बता दी है। कोई और खबर मिलेगी तो पल पल अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल आप लोग चैनल पर जाइए, हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे क्लासेस होती है यूपी लेखपाल की, वहां से आप लोग उसको देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। और भी कोई जानकारी दीजिए जो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।